किशनगंज में प्राइवेट नर्सिंग होम की लापरवाही पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। पश्चिम पाली में मौजूद रेडियंट नाम के हॉस्पिटल में मरीज के परिजनों ने ज़बरदस्त तोड़फोड़ की है। बताया जाता है कि जीवित महिला मरीज को मुर्दा घोषित करने पर लोगों का गुस्सा फूटा है। पश्चिम पाली में भेजे इनके यहाँ, तो बोला कि यहाँ पर आईसीयू खाली है, लेके आइए पेशेंट को, एडमिट हो जाएगा। और बेड भी दिखाया, सब कुछ दिखाने के बाद पेशेंट को लाए, एक घंटा पेशेंट का हो गया, ना कोई डॉक्टर आ रहा है, ना कोई पेशेंट को उठा रहा है, कुछ नहीं। उसके बाद आगे एक डॉक्टर आके क्या बोलता है कि ये मृत्यु हो गया, समझे, जीवित को मृत घोषित कर दिया। और अभी पेशेंट जिंदा है, पेशेंट जिंदा है, और बोलता है क्या इसको अब घर लेके जाइए। उसके बाद फिर क्या बोलता है, आधा घंटा के बाद फिर क्या बोलता है, पेशेंट जिंदा है तो ठीक है, इंतजाम कर रहे हैं भर्ती करने के लिए, इंतजाम कर रहा है। उसके बाद एक घंटा के बाद क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हॉस्पिटल ले छोड़िए ना भाई, ये मेरे साथ। नगर परिषद के फरिंगोला की रहने वाली एक महिला हृदय रोग से पीड़ित थी, जिनका इलाज डॉक्टर आसिफ रजा की निगरानी में चल रहा था। शनिवार सुबह मरीज की हालत बिगड़ने पर डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया और आईसीयू में भर्ती करने की सलाह दी थी। महिला के परिजनों ने आनन फानन में उन्हें लेकर रेडियंट नर्सिंग होम पहुँचा। ऐसे बोले बंद कीजिए, मैंने आप क्यों बोले बंद कीजिए, आप अपना काम कीजिए, आप बताइए जो बात कर रहे हैं आप कीजिए, फिर हम लोगों को बताइए। बदतमीजी मत कीजिए कि आप जिंदा पेशेंट को मृत बता रहे हैं। बोले हैं क्या कहेंगे, नहीं बोले सर, नहीं थे मेरे पास, ठीक है, आप अपना काम करो, सब नहीं थे, आप अपना काम, नहीं नहीं, क्या पेशेंट का, क्यों बताना, मुझे नहीं बोलना है, नहीं बोलना मुझे, आप डॉक्टर हैं, आपने देखे उसको, क्यों पेशेंट को वहाँ से बुलाया गया, मैंने नहीं बुलाया, मैंने बुलाया जिस डॉक्टर ने भेजा उसको पूछो जाके, मैंने तो नहीं बोला, आपने बताया ना, यहाँ नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, मैं तो अभी घर से आया हूँ। मरीज के तीमारदारों के मुताबिक यहां पर अस्पताल के डॉक्टर ने बिना चेकअप किए महिला को मृत घोषित कर दिया, जिससे गुस्साए लोगों ने हॉस्पिटल में जमकर तोड़फोड़ की है। भारी हंगामा की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया है, जिसके बाद इलाज के लिए लोग महिला को लेकर पूर्णिया रवाना हो गए। कोई भी नहीं आया अभी देखने के लिए, पेशेंट को देख लीजिए, सीरियस है, देखिए अभी तक कोई डॉक्टर चेक करने नहीं आया यहाँ पे, पेशेंट को जरा देख ले जाके। हाँ बंद, हाँ बंद, हाँ सर है, सर आपसे हम सर बात करेंगे।